नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप 0.1 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बना सकते हैं और इसमें कौन कौन से केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी मोलरिटी की लिमिट क्या है और इसकी RHD कितनी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को नीचे दिए गए रेड बटन सब्सक्राइब को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए किन किन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, पोटेशियम हाइड्रोजन पेथाइलेट और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो हम 0.1 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक 1000 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो कि ड्राइड होना चाहिए। फिर उसमें हम लेंगे 100 ml वाटर और उसमें डालेंगे 4.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसे डिसॉल्व करेंगे, फिर डालेंगे 700 ml वाटर और उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसे मेकअप कर देंगे 1000 ml में। उसको करने के बाद उसे हम एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे होने के बाद अब उसकी स्टेरिलाइजेशन करेंगे। तो हमें स्टेरिलाइजेशन में किसकी ज़रूरत पड़ती है? पोटेशियम हाइड्रोजन पेथाइलेट की। अब हम एक लगभग 2 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोजन पेथाइलेट को ड्राई करेंगे, उसे हम क्रश कर लेंगे और उसे 120 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद उसका हम वेट लेंगे, जो कि ट्रिप्लिकेट टाइटेशन फ्लास्क में, जिसका हम वेट 0.5 ग्राम लेंगे और उसमें 75 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे और उसमें 0.2 ml फिनोफ्थलीन डालकर उसकी टाइटेशन करेंगे 0.1 मोलर के वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन जो कि हमने बनाया है। और इसको करने के बाद इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन दो प्रकार से हो सकती है। पहला ट्रक कैलकुलेशन है, वो है वेट ऑफ PHP इन mg अपान NaOH इन ml इनटू फैक्टर 0.20423, कि आपका सबसे पहले जो वेट लिया, वेट इनटू जो उसकी पोटेंसी है, मान लीजिए 99.9 इनटू उसकी जो जितने मोलर का हमने बनाया है, मान लीजिए 0.1 मोलर का बनाया है, अपान ब्यूरेट रीडिंग इनटू फैक्टर 0.20423 इनटू 100। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद इन तीनों की जो मोलरिटी आनी चाहिए वो प्लस माइनस 10% होनी चाहिए और जो इसकी RHD की लिमिट है वह 0.2% है। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और नहीं हैं तो डिसलाइक ज़रूर दबाएं। अगर मेरे चैनल के लिए कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।